बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको मुख्तलिफ वीडियोस में मैं इस चीज़ के मतलब जिक्र करता रहता हूँ, आपको साथ में दिखाता हूँ, पढ़कर भी सुना देता हूँ। मैं परदेसी भाइयों को अच्छा फ़ायदा होता है, यकीन कीजिए। कल से तकरीबन 3 से 4 बंदों ने मुझसे, वैसे तो सैकड़ों के हिसाब से मैसेज हैं जी मेरे व्हाट्सअप के ऊपर, आप देख ही लीजिए यार। मैं आपको ये चीज़ ये सिर्फ दिखाने का आपको मकसद ये है भाई, खत्म नहीं होंगे इतने मैसेज हैं। मैं बंदों को वक्तन फक्तन रिप्लाई भी करता रहता हूँ। अच्छा, बात करने का मकसद ये है जी, व्हाट्सएप में इस वीडियो में भी आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दिखा दूंगा। कल से 3-4 बंदे मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ऐसे मिले जो सफारा से खरूज लगवा कर आए थे और मुझे पूछ रहे थे कि भाई अभी सफारा से खरूज लगवा कर आए हैं तो क्या हम दोबारा वापस जा सकते हैं। तो मैंने उनको मैसेज में जो भी अपडेट किया वो कर दिया जी। आपको भी ये चीज़ साथ में दिखा देता हूँ और आपको बता भी देता हूँ, आप भाई भी इसी से फ़ायदा उठाएं यार। आपको पता है सऊदी अरेबिया में कंपनीज मुसस्सा वाले इकामे नहीं लगा रहे हैं बंदों के, और उसके अलावा बहुत से आज़ाद बंदे भी ऐसे जिनके इकामे वो अपडेट नहीं करवा सकते हैं, इकामों के पता जो रेट चल रहे हैं। बाकी कंपनीज बहुत सारी 80% कंपनीज में बंदों के इकामे एक्सपायर हैं। मैं खुद यार सारे सीन लाइव देख के आ चुका हूँ। जो आप भाई सऊदी में अभी भी हैं, आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। अच्छा, आपके इकामे एक्सपायर हैं, उस सूरत में आप ऐसा खरूज चाहते हैं कि जिस सूरत में आप न्यू वीज़ा पर दोबारा जा सकें, आप भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप बदून कफील हैं जी, कफील यानी कि आपको सैलरी वगैरह दे रहा था, आप कफील से भाग गए, बाहर कहीं काम कर रहे हैं, उस सूरत में आप उसके ऊपर केस कर दें, या आप ऐसा कुछ खरूज चाहते हैं जिस सूरत में आप न्यू वीज़ा पर आ सकें। उसके अलावा आपका कफील ने इकामा बनाया ही नहीं, आपके पास पासपोर्ट ही है, उसी के ऊपर आप घूमे जा रहे हैं, आप फिर भी इनसे मिल सकते हैं। हरूब है आपका, हरूब की सूरत में आप जेल के धक्के खाने से बेहतर है अपनी टिकट लेकर बाइज्जत तरीके से जाना चाह रहे हैं तो फिर भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। हरूब की सूरत में, इकामा एक्सपायर की सूरत में, इकामा बनाई नहीं उस सूरत में, बदून कफील आप पकड़े जाएं, या किसी भी सूरत में आप पाकिस्तान आ जाएं, इंडिया चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, उस सूरत में आप न्यू वीज़ा लेकर दोबारा जा सकते हैं। कैसे मैं आपको समझा लेता हूं, लेकिन न्यू वीज़ा लेने से पहले व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूं, आप इस चीज़ के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। न्यू वीज़ा लेने से पहले भाई आप अपना मतार वाला मरहल पेपर, उसे बोला जाता है, वो ज़रूर चेक करवा लीजिएगा। आपका उस पेपर से होता यह है, मुख्तलिफ वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं मैं, उस पेपर से सफरी मामला के 2 भी रिकॉर्ड हो गए आपके सऊदी अरेबिया में, यानी कि आप इंटर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, या मुमकिन कब तक हो सकते हैं, वो उस पेपर से क्लियर हो जाएंगे। यार 5-7 लाख रुपए वीजे के ऊपर लगाने से बेहतर है चंद हजार लगाकर अपने आप को क्लियर तो देख लें कि आप जा भी सकते हैं, यानी बाद में एयरपोर्ट से वापस आएंगे सारे पैसे भी डूब जाएंगे और ऊपर से जो बिस्ती का प्रोग्राम है वो अलग से होगा। बहरहाल जी, ये क्यों बात कर रहा था, ऐसे तमाम अफराद अपना मतार वाला पेपर जरूर चेक करवाएं जाने से पहले। अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखा रखा हूँ मैं, अगर पेपर आपका खुद कोई दोस्त अखबाब भाई है तो मकतबे अमल से आप खुद निकलवा सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिखा दिया, अगर आप हमसे निकलवाना चाह रहे हैं तो हम भी निकलवा देते हैं। एक चीज आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कौंसलर टीम की मदीना मुनव्वरा में आमद, ये मैं मदीना में बोल रहा हूँ, अगर आप जजान में हैं, आप नजरान में हैं, आप तबूक में हैं, वहां पर भी टीमें जाती हैं, उसकी वीडियो भी मैं लगाता रहता हूं, सेम यही कंडीशन भी आपके साथ भी वहां पर होगी। जो डेट है 31 मार्च एंड 1 अप्रैल और रोज जुमा एंड हफ्ते वाले दिन का दिन है जी, इनसे आप सुबह जुमे वाले दिन 8:30 से 11:30 एंड 2:30 बजे से 5 बजे तक, सॉरी, और हफ्ते वाले दिन 8:30 से 12 बजे तक इनसे मिल सकते हैं। नीचे मुकाम पाकिस्तानी हाउस मदीना मुनव्वरा, किसी भी टैक्सी वाले को बोल दीजिएगा वो सीधा ले जाएगा, बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं पाकिस्तानियों की। और दूसरी बात ये है भाई, एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इनसे आपका इकामा एक्सपायर है, आप इनको जाकर मिलेंगे भाई मैंने खरूज जाना, आपकी फाइल जमा हो जाएगी यार, खरूज लग जाएगा आपका 1 माह में 2 माह में 3 माह में 4 माह में, उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, मैंने भी दिखा दिया। आपका हरूब है, आप इनसे मिल सकते हैं, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमसे रब्ता करने के मेरे मुझसे रब्ता करने से मुराद ये है, मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगा, बाकी काम आपका यही करेंगे। पासपोर्ट एक्सपायर है, पासपोर्ट रीन्यू करवा सकते हैं। बदून कफील हैं, इनसे मशवरा ले सकते हैं। कंपनी से भागे हुए हैं, इनसे मशवरा ले सकते हैं। कफील के ऊपर केस करना चाह रहे हैं, इनसे मशवरा ले सकते हैं। ये तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो मदीना एंड मदीना के अतराफ में जितने भी भाई हैं वो इनसे मिल सकते हैं, एक अच्छी ऑप्शन है।